नमस्कार, कांताघर कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए सेव का हलवा, जो खाने में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो आइए हम सेव का हलवा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक सेव लिया है, मैं इस सेव का छिलका उतार लूंगी। सेव का हलवा बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। कई बार हम अकेले व्रत रहते हैं तो मन नहीं होता कि हम कुछ बनाएं, आलस कर जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये मैंने सेब का छिलका उतार लिया है, अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। ये हमें इधर की तरफ से बारीक तरफ से कद्दूकस करना है। सेब को हमें इस तरह से घुमा घुमा के कसना होता है, क्योंकि बीच में इसमें बीज रहते हैं। ये देखिए, हमने सेब को कद्दूकस कर लिया है, ये बीच वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया है। सेब को हमने कद्दूकस कर लिया है, अब हम इनको भून लेंगे। ये मैंने गैस पर फ्राई पैन रख लिया है, इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और ये कद्दूकस किया हुआ सेब हम घी में भून लेंगे। सेब को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये देखिए, सेब भून चुका है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ी चीनी ऐड करूंगी। चीनी हमें बस 2 चम्मच ही डालनी है, क्योंकि सेब ऑलरेडी मीठा होता है। कम मीठा पसंद करते हैं तो उसमें चीनी ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं है। चीनी डालने के बाद थोड़ी देर और भून लेंगे। अगर आपको मिठाई खाने का शौक है और नई नई मिठाइयां ट्राई करने का शौक है तो ये सेब का हलवा जरूर ट्राई कीजिए। और ये हमारा हलवा बनकर तैयार है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है, ये देखिए। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट लिए हैं, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हलवा बना है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं फटाफट से और गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए। अगर आपको मेरे सेव के हलवे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।